गाइस, मैं आपको करता हूँ स्वागत किशोर सिंह राजपूत ब्लॉग में। तो आज हम विद्यपुर से 30-40 किलोमीटर बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाके आपको हम बताएंगे देसी गांव इधर त्रिपुर में देसी लोग कैसे रहते हैं गांव में। आप वहाँ पे बताएंगे, फॉरेस्ट भी है वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा दूर है त्रिपुर से, अभी दूर जाके आपको हम मोटो ब्लॉग बताएंगे, फिर जाएंगे वहाँ पे बताएंगे कैसे त्रिपुर में लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। हम जाने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। ये एक चल रहा है, एक हमारा अंकल जी जा रहे हैं। तो हम अभी बाइक में जाएंगे, यहाँ से 30-40 किलोमीटर है हमारी बाइक। हम आज निकल चुके हैं वहाँ के लिए, यहाँ से अभी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको ब्लॉग बताएंगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे जंगल की तरह है, जंगल हम बताएंगे। नारियल का पेड़ है, इसके जैसे पेड़ है। अभी जा रहे हैं गाड़ी पे, अभी जा रहे हैं गाइस। पहुंचने वाले हैं, यहाँ से हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा बहुत दूर हुआ है यहाँ से, हम यहाँ से 10-15 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, हम एंटर कर चुके हैं अभी गाँव में। गाइस, वो गाँव है, ये सब जगह क्या मौसम, क्या है, क्या मजा आ रहा है आज से। तो देखिए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारा स्कूल का पोस्टर लिखा हुआ है गाइस। अभी घर मिल रहा नहीं, तो इसको फ़ोन किया है, वो आ रहा है अभी। फिर वहाँ के घर जाके आपको मिलते हैं गाइस। हमारा स्कूल का पोस्टर लिखा हुआ है गाइस। अभी घर मिल रहा नहीं, तो इसको फ़ोन किया है, वो आ रहा है अभी। फिर वहाँ के घर जाके आपको मिलते हैं गाइस। हम अभी पहुँचने वाले हैं, मेरा दोस्त जा रहा है आगे, जा रहा है। हम इसके लिए जा रहे हैं, मैं अभी पहुंच चुका है यहाँ का। देखो गाइस, मॉल है ये, यहाँ पे इसका खेत है, ये हमारा गाय का बच्चा है गाइस। मुर्गी के लिए गाँव में आए, बहुत दूर है गाइस ये भी। ये देखो हमारा वजू क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो ये, देखो गाइस कौन कर रहा है यहाँ पे हमारे गांव में। ये देखो गाइस, करने वाले कुछ यहाँ पे धमाकेदार। हवा भी बहुत चल रही, नारियल के पेड़। ये देखो गाइस यहाँ का मॉल। तो गाइस, तो अभी हम आए हुए हैं तमिलनाडु में, हम त्रिपुर में रहते हैं। तो अभी तो हमने सोचा चलो थोड़ा ऑटो में जाके आते हैं, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे आके देखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे गाँव में राजस्थान जैसे कैसा है, वो भी यहाँ पे खेती भी होती है वहाँ पे। वो देख सकते हो वहाँ पे गाय है, और ये कुछ गाय के लिए खेती की हुई है। जैसे भी बड़ी हो गए उसको काट के गायों को खिलाएगा। ऐसा भी आज भी देख लो, ये पीछे देख लो, ऐसा कुछ नज़ारा राजस्थान जैसे ये नज़ारा। और वहाँ पे वो देखो ढका हुआ है ना, तो वो सारा ढका हुआ है। देखो यहाँ पे अभी देखो ट्रैक्टर से जुताई किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये मिट्टी है। तो अभी उसमें कुछ ना कुछ करने वाला है, इतना हमको भी आइडिया नहीं है, हम बस जस्ट देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नजर आए गाँवों का जस्ट। और कुछ बताते आपको, देखो गाइस ये यहाँ का खेती करते हैं। बाहर में त्रिपुर से हम बहुत बाहर आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे त्रिपुर में ऐसे नहीं होते हैं, त्रिपुर से बाहर आते हैं। तो हम देख सकते हैं, ऐसे हमारा दोस्त है गाइस। ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है हमारा दोस्त, ये गाय को खिला रहा है। तो गाइस यहाँ पे बारिश आने का मौसम हो चुका है, काफी गाड़ रही है। तो गाइस ये हम जा रहे हैं, बहुत सब्जी हो गया कि यहाँ पे बताएंगे। वो यहाँ पे भी होता है, बाहर देशों में भी ऐसा ऐसा सेम होता है ना, राजस्थान में जैसे यहाँ भी होता है। सारा को मैंने से ढका हुआ है, फिर उसकी वजह से ये रस्सी बांधी हुई है। तो उसका मतलब क्या है, जैसे बारिश आएगा तो ये सारा नहीं भीगेगा, भीगेगा नहीं, बारिश के नीचे जाएगा, ये सब चलेगा। फिर गाय को खिलाने के लिए इजी होगा। ऐसे वो पे यहाँ पे है तमिलनाडु में, तो अभी ये बहुत अच्छा है, वो बड़ा होगा फिर दूध देगा, दूध बनाएंगे। हम इसको भी ऊंचे करेंगे। देखो गाइस ये बहुत ऊंची हुई है, देखो गाइस ये ना पुड़चे काम का गाइस। ये देखो मछली गाइस, ये कहीं ये गाइस ये भी उड़ जाएगी, मछली पकड़ा इसने गाइस। ये देखो हमारा पुराना घर का जाम्बे, त्रिपुर में भी रहते हैं ऐसे लोग गाइस। देखो ये झुपड़ी में कैसे रहते हैं। गाइस यहाँ पे भी बरसात आने का। देखो गाइस नाले का पानी बहुत होते हैं यहाँ से, त्रिपुर में बहुत होता है, त्रिपुर से बाहर। ये हमारा घर का दोस्त है गाइस, वहाँ पे हमारा घर का दोस्त था, उसका उद्घाटन करते थे गाइस। देखो पानी कैसे भरते हैं यहाँ पे, देखो गाइस ये ऐसे गांव का है गाइस, ऐसे पानी भरते हैं यहाँ पे। देखो गाइस ये ऐसे पानी भरते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारा
वहाँ पे बाहर रहते हैं गाइस, वहाँ पे देखे आप कैसे रहते हैं तमिलनाडु के, हम जाके हमारे घर पे आ चुके हैं वापस। तो गोश्त ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्यों बाहर भी लोग ऐसे रहते हैं और ऐसा भी पेड़ गाय सब कुछ है वहाँ पे, कुत्ते लोग और मिट्टी भी वहाँ पे राजस्थान की जैसी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब